वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पेट लवर मुंबई का। जो आम चुके हैं फिर से हम नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम फिर वसीम भाई के फार्म पे आए, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि बजीज देना आजकल बहुत मर रहे ठंडी के हिसाब से। तो आइए वसीम भाई से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह है उसके पीछे। तो अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वसीम भाई, वसीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल ना भाई जो न्यू बिजनेस बजीज लेके जा रहे हैं ना, वो उनके यहाँ जाते ही बजीज जो है मर जा रहे हैं। तो क्या वजह है उनकी? बस्ती में कैसा क्लाइमेट चेंज हो गया है और ठंडी के वास्ते बहुत ज्यादा करके बीमार हो रहे हैं। बराबर, बहुत ज्यादा सुस्त हो जा रहे हैं। अच्छा, और उनका पत्ती देखोगे ना हरा हो जा रहा है, टॉयलेट नहीं कर पा रहे। बराबर, तो जो भी विंडोज पे पाल रहे हैं ज्यादा करके। हाँ। तो पहली बात तो उसमें तीन चीज बनाओ, पानी रात में मत रखे वापस, क्योंकि जब रात में पानी रखते हो तो सुबह पानी एकदम ठंडा हो जा रहा है। अभी आजकल दूसरा क्या हो रहा है ना वसीम भाई, माल आ रहे हैं बाहर से, कर्नाटका साइड से, कोलकाता साइड से, बट पानी के वास्ते पानी ठंडा हो जा रहा है। लेकिन आते आते भी बर्ड को रास्ते में ठंडी लग जा रही है। बराबर, 90%। मैं मैंने अपने आँख से देखा हूँ कि एक शॉप वाला जो है ना, वो बर्ड फूल के बैठा तो उसको बोलता है हेल्दी बर्ड है, मोटा बर्ड है। तो ऐसा नहीं लीजिए आप लोग, उनका अपने को टिप्पणी नहीं दे सकते क्योंकि वो भी ब्रीडर है। बराबर, ऐसा धंधा कर रहा है। सही बात, हम जब बाय कर रहे तो वो सेल कर रहे हैं। सही बात, पहली बार जब आप पैसे दे रहे हो, जेन्युइन पैसा दे रहे हो, तो आप देखिए बर्ड की क्वालिटी, बर्ड उड़ना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तो वैसा बर्ड लीजिए आप। एक सेकेंड बर्ड है ना, रात में पानी मत रखिए, ठंडा पानी पीगा बहुत बीमार हो रहा है। अच्छा, आपको जमीन का तो थोड़ा गर्म पानी दीजिए, थोड़ा सा सनफ्लावर सीड्स बढ़ा दीजिए, और अगर हो सकता तो बल्ब लगाइए, क्योंकि कैसा बर्ड को ना गर्मी चाहिए। बराबर, ठंडी में बर्ड सहन नहीं कर रहा, अच्छे अच्छे बर्ड मर रहे हैं। तो और छोटे बच्चे मत लीजिए, छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभी कैसे है वसीम भाई, जैसे कॉकटेल है अपने एडल्ट है, जैसे एडल्ट पैर के कॉकटेल है, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू ब्रीड कर रहा है, आपके पास से लेके गया था मैं। तो मैंने उन लोग को जैसा बाहर रखा हूँ बालकनी में, तो कंटिन्यू ठंडी हवा चलती है, और पिछले टाइम से लेके एक साल हो गया रहेगा मेरे को लेके जाके, तो कंटिन्यू ठंडी हवा पिछले साल तो सरवाइव कर लिए। तो ये टाइम पे एडल्ट बर्ड को ऐसा कॉकटेल में कुछ फर्क पड़ता है ठंडी से? पड़ता है, हर बर्ड को पड़ता है, क्योंकि देखो क्या है, आदमी को फर्क पड़ता है। तो अच्छा, बर्ड क्या है, तो आप कपड़ा ढाप दीजिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन बोलते ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप थोड़ा सावधानी करोगे ना, तो बर्ड भी आपका हेल्दी रहेगा। और जैसे कॉकटेल बड़ा बर्ड है, ये सनफ्लावर सीड खाते हैं, तो सनफ्लावर गरम चीजें, उनको सनफ्लावर दीजिए। कॉकटेल जो रहते हो खाते ही नहीं है सनफ्लावर से? खाते ना, हर बर्ड खाएगा, जो मैं आप दालों के आदत तो खाएंगे। अभी नॉर्मल जो मेरा जो सीड्स है, हाँ, IPL करके लॉन्च हो गया, मैं मिक्स भी करता हूँ 10%, इसमें दवाई वगैरह सब रहता है ना। हाँ, मेरा सिंपल फंडा है। इसमें क्या क्या चीज डाले हो? लाल अलसी है, बड़ी कंगनी है, छोटी कंगनी है। अच्छा, ये कितने किलो का पैकेट है वसीम भाई? ये 1 किलो का है। 1 किलो का पैकेट है। तो मेरा क्या सोचना, लोगों क्या होता है, नॉर्मल बर्ड है ना, एक ही बर्ड, एक ही दाना खा के थक जाता है। हाँ। तो जैसा आप बिरयानी खा रहे हो, हाँ, और बिरयानी में 2-3 बोटी आएंगे तो मजा आएगा। बराबर, खाली बोटी रहेगी तो बिरयानी नहीं है, वो चिकन चिली हो। सही है। तो बर्ड भी ना, जब नॉर्मल दाना खाते हो, 2-3 सीड्स डिफरेंट जो खाते ना, वो डाल तो बर्ड इंजॉय करेगा। और ठंडी में थोड़ा संभालिए बर्ड फ्लू जितना हो सकता है। वसीम भाई, जो पिछली बार दिखाए थे आपने, वो 5 बच्चे माशाल्लाह से, 7 बच्चे बड़े हो गए। अच्छा, यही थे क्या जो थे? अच्छा, अच्छे खासा साइज हो गया है। ध्यान दीजिए, इसे दिखा देते, एक क्रस्टेड के बच्चे ना। हाँ, ये सब क्रस्टेड। और ये सब बुक्ड हो गए क्या वसीम भाई? हाँ, ये सब मैक्सिमम बुक है। क्या किसी भाई को चाहिए रहेगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भाई। और अभी ये टाइम पे सब सब तफ्ते रहा है। ओके सर, और बहुत प्यारे कलर है, और टच वुड पूरे 7 है, इसमें भी 2 है, एक छत्ता उधर है। बराबर, कलर बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा वैरायटी निकला है, और बहुत अच्छा है। और मेरे को जो बेनिफिट हुआ ना, मेरे सीड्स का बेनिफिट हुआ। वसीम भाई, जंबो के बच्चे है क्या तुम्हारे पास? अभी आने वाले जंबो के, शो क्रॉस में, शो क्रॉस जंबो, और इसमें बड़े वाले आने वाले। इसमें कुछ ब्रीडिंग पेन वगैरह सेल के लिए? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ मेरे पास, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं नहीं बेचता हूँ। कॉकटेल के 4 पेर है, उसका रिजल्ट आया हुआ है, वो बेचना है ना, बट वो सेल के लिए है, बट वो पुणे में एक ने बुक कर। कौन कौन? अच्छा, बुक हो गया। ये 1 पेर है, माशाल्लाह, 1, 2, 3, 4 अंडे। हाँ, टच भी निकाल दिया, ये पैर है, फिर अंडा दिए बच्चे के साथ में, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पुणे जा रहा है अपना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये जाएगा तो फिर कुछ नया लाओगे? हाँ, एक नया फिर होगा, आ गया कॉकटेल आएगा वहाँ पे भी, बच्चा निकला अभी।
इसमें कुछ ज्यादा बच्चे निकले थे ना वॉशिंग में? वो कैसा फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे ना बर्ड, अच्छा तो उसके लिए वो इशू नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या होता है फर्स्ट टाइम अगर कोई बर्ड अंडा डालता है ना तो रहने दो, अच्छा बर्ड को बैठने दो, बच्चे निकले दो, अगर मरेगा तो इशू नहीं है। बर्ड को थोड़ा सा ना एक ब्रीड जाया कर सकता है, बर्ड को क्या होता है एक्सपीरियंस मिलता है बराबर, सेकंड क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सही बात, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो वसीम भाई जावा वगैरह में कुछ बाकी है अभी सेल के लिए? जावा में अभी थर्ड क्लास आ गया भाई, और थर्ड क्लास ओके बच्चा है क्या छोटा सा जो मांग रहा है अपनी माँ को बड़ा है पहचान के मांग रहा है ना? सिल्वर भी निकले, बहुत वैरायटी भी निकले बच्चे। अच्छा अच्छा, एक जावा के ऊपर एक 5 मिनट की अलग से वीडियो बना लेंगे सेल के लिए, बहुत ज्यादा जो अभी निकले हुए ये अपन बजीस का बता देते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे बुकिंग हो रहे हैं अपने, बराबर वाजिब रेट में दे रहा हूँ, 1500 रुपए जोड़ा दे रहा हूँ, बराबर वो अगली वीडियो में इनको देखने मिल जाएगा इंशाल्लाह क्या क्या आया हुआ है। तो मुकरुमा का भी पैर है वसीम भाई के पास, लेकिन ये सेल के लिए नहीं है, ये गिफ्ट है आपको, इनको कॉल ना करिए, इनके बच्चे ये सेल करेंगे जब आएंगे। तो ब्रीड क्या मुकरुमा ने अभी तक ब्रीड किया? चालू कर दिया, चालू किया, अच्छा रिजल्ट आएगा। 6-7 जोड़े बना के रखा मैंने अंडे घुमाने के लिए, एक जोड़ा बनाया हूं, तो 3-4 जोड़े और बना के रखा, बराबर अंडे घुमाएंगे इंशाल्लाह, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो वसीम भाई क्या सजेस्ट करोगे जो मर जा रहे हैं पानी के अलावा, क्या सजेस्ट करोगे? पानी सबसे पहली बात, तो पानी से बर्ड ठंडा हो जा रहा है तो बर्ड बीमार पड़ रहा है। सेकंड एक बल्ब रखिए आप रात के अंदर, या दोपहर बल्ब रखना है शाम रात में स्पेशली, कपड़ा ढापिए बर्ड को, अच्छा अच्छा क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, बर्ड अच्छे अच्छे बर्ड भी मर जा रहे हैं। सही बात, तो जितना हो सकता है आप थोड़ा सावधानी देखना चाहिए, तो ध्यान रखो। और कुछ अपना दवाई वगैरह यूज कर सकते हैं? बॉयल एग दे सकते हैं, बॉयल एग, बॉयल एग दीजिए बर्ड को, जो भी गर्म चीज है सनफ्लावर सीड चाहिए, बराबर बराबर, सनफ्लावर अगर नहीं खा सकते तो हल्का सा कूट के देने का, हल्का सा तो बर्ड खाएगा। तो ये बजिस क्यों मरते हैं इनको बचाने का तरीका वसीम भाई ने बताया, तो बहुत जरूरी है, हम लोग शौक से पालते हैं, उनकी जान की हिफाजत हमारे अकाउंट में, तो जितना हो सकता है अपने को संभालना चाहिए, किसी का जान बचती है तो फिर पालो मत। सही बात, पालना है शौक है तो भाई शौक है तो पूरा ध्यान दो, अपना बेनिफिट क्या है, अपना फार्म दुकान है ना बराबर, अंदर गर्म है। सही बात, बंद कर देते शटर, बंद करेंगे तो बर्ड एकदम हेल्दी रहता है, गर्मी के टाइम प्रॉब्लम होती है अपने को, पंखा चालू करते हैं। सही बात, कूलर वगैरह लगा देते, एक जिनका सेटअप देखा था मैंने वसीम भाई, उसने ऐसा बौछार लगाया था और वो नीचे आते आते पानी भी नहीं आ रहा था, वहीं पे खत्म हो जा रहा था, इतना अच्छा बीमार हो गया। अच्छा, क्योंकि पानी में क्या हो रहा है मॉइस्चर जा रहा है, हाँ, तो जब बर्ड ब्रीथ कर रहा है ना तो हम भी जब ब्रीथ करते हैं तो हम लोग हवा लेते अंदर, एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डस्ट पार्टिकल है, सही बात, वाटर मॉलिक्यूल से, तो वाटर मॉलिक्यूल और डस्ट मिल के अंदर ना पानी जमा हो जाता है, तो आपको टीवी होने का चांस है। अच्छा, तो बर्ड को एसी और कूलर मत लगाइए, एसी और कूलर नहीं लगाइए, सिर्फ फैन, बहुत ज्यादा बीमार, फैन या एग्जॉस्ट फैन दो लगा दो, दो लगा, ये जो अफ्रीका के बर्ड है उनको गर्मी चलती है, चलती है, तो मतलब इतना कूलर एसी आप लगाओगे ना ब्रीड को अच्छा मिलेगा, बट बर्ड आप बेचोगे तो बर्ड मर जाएगा, क्योंकि बाहर वाले एसी नहीं है। सही बात, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है सडन, बर्ड शॉक में आते हैं, तो ऐसा कुछ काम मत कीजिए मतलब सामने वो बर्ड मर जाए, सामने दूसरे को परेशानी हो, एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट, और छोटे बच्चे मत सेल कीजिए क्योंकि वो मर जा रहे हैं, मिनिमम 25-30 दिन के बाद के जब पूरा कवर हो जाए बच्चा तब लोग, क्योंकि सामने वाले पैसे की भी कीमत होती है। सही बात है, और कीमत के अलावा शौक भी मर जाता है सामने वाले का। अभी मैं ब्रीडिंग पेयर क्यों देता हूँ, क्योंकि सामने वाले को शौक होता है, ब्रीड होना चाहिए भाई, ब्रीडिंग पेयर तो बहुत कम लोग देते हैं और आप दे रहे हो, और कैसा रहता है ब्रीडिंग पेयर, तो मतलब एक क्लच निकालता है तो पूरे बच्चे कवर अप, पैसे पूरे निकल जाते हैं। नहीं बट शौक होता है भाई, तो कभी कैसा, मैं बचपन में मैंने जब पाला था तो मैंने एक पैर बछड़ी दिया था, मेरे फ्रेंड है डोमिनिक, अच्छा उसने मुझे दिया था, एक पैर से मैंने 40 बच्चे बनाया था। अच्छा, तो मैं अभी भी याद करता हूँ क्या भाई, मेरे को फर्स्ट पैर उसने दिया था, उसके बाद माशाल्लाह मैं सबको ब्रीडिंग पेयर देता हूँ, उसके बाद शौक बढ़ गया, शौक बढ़ गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दिया, दुकान ले लिया अपनी, बर्ड भी सब, तो इसके लिए हमेशा अच्छा कीजिए और सामने वाले का अच्छा करेंगे तो अच्छा होएगा, और सामने वाले के बारे में सोचो इंशाल्लाह, अल्लाह अपने बारे में सोचेगा। तो वसीम भाई अपग्रेडिंग में कुछ बर्ड्स वगैरह लाने वाले हो व्यूअर्स के लिए, जैसे सनकनूर या काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सनकनूर वगैरह में कुछ लाने वाले हो क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आने वाले, सनकनूर भी आएंगे इंशाल्लाह, बहुत कुछ आने वाले, थोड़ा सेटअप चेंज कर रहा हूँ, नहीं नहीं भाई ये अपना अच्छा है, अच्छा है ना, से 30 पैर आ रहा हूँ, हेलीकॉप्टर के 30 पैर आ रहे, ये जगह को पूरा यूटिलाइज करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर लेंगे, नहीं नहीं इंशाल्लाह वो यूज होने वाला है, पूरा पूरा सेटअप चेंज। आइए विजिट करिए भाई, विजिट करने का वसीम भाई पैसा नहीं लेते, आप संडे को आइए, कॉल करके आइए, नॉलेज लीजिए, वसीम भाई से बात करिए, न्यू कुछ सेटअप करना चाहते हैं अपना ब्रीडिंग के बारे में, ये लेने का है नहीं लेने का, आई वसीम भाई का फार्म विजिट करके जाइए, इसमें आपको बेनिफिट ही होगा। हेलो,
तो वसीम और कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? नहीं और क्या नहीं भाई, सब मैं तो बोलूंगा ये लाइन में आ जाओ, बहुत ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, बरकत वाली लाइन, बहुत बरकत वाली लाइन है। और ये लाइन में कैसे कोलकाता और इधर से माल आ रहा है, मैं बोलूंगा जितना ब्रीडर भरेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, उतना ही सपोर्ट होगा, क्योंकि अभी जो कॉकटेल अगर 10 ब्रीडर आते हैं तो माल का रिक्वायरमेंट आएगा बराबर और प्रोडक्शन बढ़ेगा, यही से माल बस। मैं तो बोलता हूँ, चाहता हूँ कि हर आदमी ब्रीडर बने, हर आदमी शौकीन हो। सही बात, गलत शौक से अच्छा ये शौक अच्छा है। सही बात, घर में थोड़ा अच्छा रहे, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, मतलब कुछ गलत काम मत करो भाई। सही बात, किसी की भी औरत लड़की को मत देखो, अपनी बहन समझो सबको। सही बात, तो ये बर्ड्स में आपको ये बेनिफिट है, आप अच्छे अपना ध्यान, आप टाइम ही नहीं दे पाओगे। हाँ, फालतूगिरी में टाइम ही नहीं दे पाओगे, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो जिस किसी भाई को भी चाहिए रहेगा तो वसीम भाई से कांटेक्ट करो और नॉलेज वगैरह लो। और वसीम भाई की जावा की वीडियो अभी आने वाली है, इसके बाद ही अगले 2 दिन बाद वीडियो आ जाएगी ये जो अपलोड करेंगे। तो देखते रहो पैट लवर्स, अल्लाह हाफिज़ फिर हमारे लिए।